हेलो, आप सभी का स्वागत है विना इंटीरियर में। हरी सुधार आज एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम आज ऑटोकैड में प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज से हम ऑटोकैड की प्रैक्टिस चालू करेंगे। फर्नीचर कैसे बनाते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा या प्लानिंग कैसे रहेगा, तो वो सब हम स्टार्ट करेंगे। जैसे सपोज़ करिए, जैसे मेरा प्लानिंग हो जाता है तो मुझे उसमें कुछ फर्नीचर ऐड करने रहते हैं, तो हम उसे कैसे ऐड करेंगे या ड्रॉ करते हैं, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे ये मेरा फ्लोर प्लान है, तो इसमें मुझे यहाँ पर एक ये बेड मास्टर बेडरूम है, तो मुझे यहाँ पर एक बेड ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मुझे ये डायरेक्शन में मेरा बेड रहेगा और फेसिंग ये साइड में रहेगा, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा साइज़ का बेड रहेगा वो मैं बाहर के साइड में ड्रॉ करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पे वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट कर ले, ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उसे वॉच कर सकें। तो सबसे पहले मैं लाइन कमांड सेलेक्ट करूँगा, एल एंटर। जैसे मेरा ये बेड का साइज़ ऐसा 6 फीट रहेगा, तो मैं 6 फीट एंटर कर देता हूँ। फिर ये जो मेरा बेड का ऐसा साइज़ रहेगा 6 फीट 6 इंचेस, और फिर मैं इसे मैच करके क्लोज कर देता हूँ। अभी इसमें क्या करना है, जैसे हम बात करते तो हमारा बैक रेस्ट जो रहेगा वो हमारा 2.5 इंच का रहेगा, 2.5 ये मेरा बेड का बैकरेस्ट रहेगा। और फिर इसमें अभी हम क्या करेंगे, जैसे मैं साइड से 1.5 mm का बॉर्डर रहेगा दोनों साइड से, और इसे मैं 1.5 mm और 1 इंच इसमें मैं अंदर ले लेता हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगा, जो मेरा ये बॉर्डर रहेगा मैं इसे ट्रिम कर लेता हूँ। और ये मेरा पीछे का बैकरेस्ट है। अभी इसमें मैं क्या करूँगा, थोड़ा कर्व उसमें कर ऐड कर दूँगा, जो मेरा साइज रहेगा 0.5 इंचेस। ओके, और जो मेरा बेड का भी एक बॉर्डर रहेगा तो मैं 1.5 mm, तो अगेन मैं ट्रिम कर दूंगा। ये मैं जो भी कमांड यूज़ कर रहा हूँ इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल बनाए हुए हैं, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें मैं क्या करूँगा, जैसे मुझे बेड भी शो करना है तो मैं क्या करूँगा, पिलो साइज ड्रॉ करूँगा, जैसे 1 फीट बाय 2 फीट 3 इंच, सॉरी, रेक्टेंगल 1 फीट बाय 2 फीट 3 इंचेस, इसे मैं रोटेट कर देता हूँ एंड मूव। इसमें थोड़ा मैं इसे कॉपी करके एक साइड में और पेस्ट कर ले। इंटर फिलेट कमांड यूज़ करके आप इसे कॉर्नर के कर्व दे सकते हो, ताकि ये दिखने में थोड़े अच्छे लगे। और इसमें मैं आर्क भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, कन्वर्ट टू आर्क। राइट क्लिक करोगे एजेस पे, तो आप इसमें आपको कितना कर्व करना है आप वो भी इसमें इसे ऐड कर सकते हो। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एक साइड में, और
तो जैसे हमने ये बेड ड्रॉ किया है, फिर अभी इसमें क्या कर सकते हैं, हमारा बेड हो गया, अभी इसमें साइड टेबल हमें चाहिए, तो हम इसमें क्या करेंगे, जैसे बेडरूम का साइज है 9 feet 3 inches, तो हम क्या करेंगे इसमें, अब इसमें मैं साइड टेबल ड्रॉ करूँगा जो कि मेरा रहेगा 1 feet 6 inch का रहेगा और डेप्थ में 1 feet 3 inches का मेरा टेबल रहेगा। अभी मैं करूँगा ऑफसेट 1 feet 6 inches, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मैं इधर से ऑफसेट करूँगा जो कि मेरा साइज है 1 feet 6 inch, तो मैं क्या करूँगा ऑफसेट 1 feet 6 inch इधर से रहेगा मेरा और इधर से भी मेरा ऑफसेट 1 feet 6 inch। अभी मैं एक्सटेंड कमांड का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे लाइन यहाँ तक एक्सटेंड करनी है और इसे यहाँ तक एक्सटेंड करना है, तो मैं क्या करूँगा पहले दोनों लाइन को सेलेक्ट करूँगा, फिर राइट क्लिक, फिर वो लाइन पे क्लिक करूँगा। अभी मैं ऑफसेट 1 feet 3 inches जो कि मेरा डेप्थ रहेगा, अभी मैं इसे ट्रिम कर लेता हूँ बीच वाली लाइन को, तो जैसे आप देख सकते हैं मेरा बेड ड्रॉ कर लिया। अभी इसमें आपको कुछ एक्सेसरीज ऐड करना है साइड टेबल पे, आप जैसे लैंप वैम्प कुछ भी, या बुक रहेगा, टेलीफोन रहेगा, आप वो ऐड कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। आप ऑटोकैड के ब्लॉक्स डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन और आप उसे यूज़ कर सकते हैं, मैंने उसके ऊपर जस्ट पीछे एक वीडियो बनाया था फ्री डाउनलोड ऑटोकैड ब्लॉक्स और उसे कैसे यूज़ करते हैं, तो आप वो वीडियो ज़रूर चेक कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर एक लैंप बनाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक ऐसे ही सेंटर पॉइंट ले रहा हूँ अंदर से, आप यहाँ पर फिर ऐसा कुछ एक सर्कल ड्रॉ कर दे, फिर इसका जो सेंटर पॉइंट रहेगा आप यहाँ पर भी एक बीच में सर्कल और ऐड कर दें ताकि आपका लैंप जैसा दिखाई दे, और मैं इसे कॉपी करके इसे मूव कर देता हूँ। मैं कॉपी भी इसका एक जो ये कॉर्नर पॉइंट रहेगा मैं वो ही यूज़ करूँगा ताकि दोनों सेम लाइन में रहें। मैंने जस्ट एक बेसिक सर्कल ड्रॉ किया है ताकि एक लैंप टाइप में दिखाई दे, और या फिर आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, आपको एक तो आप एक साइड में एक बुक भी बना सकते हो, जैसे मैं रेक्टेंगल कमांड का यूज़ करूँगा, फिर मैंने ऐसा बुक बनाया है, फिर मैं इसे रोटेट कर देता हूँ, मैं ऑफ तो ऑफ कर लेता हूँ ताकि मुझे थोड़ा ऐसा रोटेट करना चाहता हूँ, तो आप ऐसा कुछ बुक शेप में भी ड्रॉ कर सकते हो। और अभी इसे हमें प्लेस करना है ये बेडरूम में, तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, जस्ट सबसे पहले मैं इसे ग्रुप बना लूँगा, ग्रुप जी एंटर। अभी देख सकते हैं अगर मैं इसे बेड को सेलेक्ट करता हूँ, अगर कोई भी एक पार्ट को सेलेक्ट करता हूँ या एक लाइन को सेलेक्ट करता हूँ तो ये मेरा पूरा बेड सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं बेड को सेलेक्ट करता हूँ, एक ये लाइन को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरा पूरा बेड सेलेक्ट हो रहा है। अगर मैं एक बार इसे वापस अनग्रुप कर देता हूँ, अगर मेरा जैसे ये पहले जस्ट ऐसा ही था, मैंने वापस अनग्रुप कर दिया, तो अभी इसमें मैं क्या करता हूँ, जैसे ये एक लाइन को सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा एक ही लाइन सेलेक्ट होगा, क्योंकि ये मेरा इसके सब अलग अलग पार्ट्स हैं। तो मैं क्या करूँगा इसको, मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं एक लाइन सेलेक्ट करूँ तो मेरा पूरा बेड सेलेक्ट हो, तो मैं बेड को पूरे बेड को सेलेक्ट करूँगा, फिर मैं कमांड टाइप करूँगा वो है जी एंटर, फिर मैं इसे रोटेट कर लेता हूँ, मुझे कौन से डायरेक्शन में रोटेट करना है आप वो डायरेक्शन में रोटेट कर लें, मैं और तो ऑन कर लेता हूँ, मुझे ये डायरेक्शन में बेड लगाना, तो मैंने ऐसा रोटेट किया, फिर मैं बेड को सेलेक्ट करके मूव कमांड यूज़ करूँगा, फिर मैंने ये कॉर्नर पॉइंट लिया है ताकि मैं ये कॉर्नर में इसे शिफ्ट कर सकूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा कुछ मेजरमेंट दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, जैसे ये साइज है 3 inches, तो मैं क्या करूँगा इसे थोड़ा मूव कर लेता हूँ जो मेरा नेमिंग है। अभी मैं बेड का सेंटर लेता हूँ और ये मेरा लाइन के सेंटर में इसे शिफ्ट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरा दोनों साइड में सेम साइज़ का स्पेस मिला है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मुझे अगर पूरा टच करना है तो मैं स्ट्रेच कमांड का यूज़ करूँगा और इसे स्ट्रेच कर दूँगा,
अभी इसमें ये बेड जो है ये पूरा बेडरूम के सेंटर में मैंने ड्रॉ किया है और साइड में कुछ भी गैप नहीं रहेगा, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं कोई भी फर्नीचर ड्रॉ करें।